Hello dear children, welcome to my YouTube channel. In continuation with previous video where some of the methods of list was discussed in Python, and in this video remaining functions like remove, pop, clear, sort, copy, max, min, count, etc. are going to be discussed. Here I will also discuss del statement. So let us continue. Now in this slide you can see first of all remove function, remove method. Here is a list L1 defined 10 20 40 50 60 70, and I am printing the list as well as its length, number of elements. Thereafter I have removed the element 40. Isme se 40 remove kiya. L1 dot remove method se remove method kya karta hai, it deletes the first occurrence of an element. I mean, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस, सपोज 40 कई बार है तो पहला 40 जो है फर्स्ट 40 विल बी डिलीटेड. सो दैट इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट गेट्स डिलीटेड. एंड देयर आफ्टर आई एम प्रिंटिंग द लिस्ट वेदर इट इज डिलीटेड और नॉट, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग द एलिमेंट 40, दैट विल बी डिस्प्लेड. सो हियर इन द आउटपुट यू कैन सी द ओरिजिनल लिस्ट इज दिस वन एंड लेंथ इज 6. After removing 40, it means the 40 remove ho gaya, then the list is 10, 20, 50, 60, 70, and length after deleting 40 is only 5, because earlier it was 6. So one element is deleted. Similarly, you can delete a number of elements using remove function. Now pop function, L1 dot pop empty bracket, what does it do? It removes or deletes the and returns the last element of the list. लिस्ट का आखिरी एलिमेंट ये डिलीट करेगा और उसे रिटर्न भी करता है. दैट मींस यू कैन स्टोर इट इन सम वेरिएबल आल्सो, यू कैन असाइन इट इन सम वेरिएबल आल्सो. रिटर्निंग मेथड है पॉप. तो L1 डॉट पॉप आपने लिखा, तो आफ्टर दैट व्हाट इज लेफ्ट इन द लिस्ट, इसका मतलब आखिरी एलिमेंट दैट वॉज 70 विल बी डिलीटेड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट. और यहाँ आप देखते हैं लेंथ आफ्टर पॉपिंग लास्ट एलिमेंट, उसकी लेंथ मैंने निकाल दी है. और अनदर स्टेटमेंट आई हैव रिटन, L1 डॉट पॉप हैज बीन असाइन टू एक्स, नाउ डिलीटेड एलिमेंट विल आल्सो कम आउट, विल बी प्रिंटेड एज एक्स. जो आपने डिलीट किया उसे एक्स में स्टोर कर लिया है, असाइन कर लिया, एक्स को भी आपने डिलीट किया, तो कौन सा एलिमेंट आपने डिलीट किया. देयर आफ्टर व्हाट इज द लिस्ट, करेंट लिस्ट, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट एक्स, ये भी आपको दिखाएगा. तो यहाँ देखें लेंथ आफ्टर डिलीटिंग 40 इट इज 5 लेंथ हो गई. उसके बाद आपका ये लिस्ट बचा है, लिस्ट में आपने एक एलिमेंट और डिलीट कर दिया लास्ट L1 डॉट पॉप से, तो लिस्ट आफ्टर पॉपिंग लास्ट एलिमेंट 4, यानी कि एक और एलिमेंट 40 डिलीट करने के बाद लिस्ट की लेंथ आई थी 4, उसके बाद डिलीटेड एलिमेंट 60 आ गया. देन ये जो आपका 70 था ये पॉप से डिलीट हुआ है, L1 डॉट पॉप करने से लिस्ट में से ये 70 डिलीट हुआ है. और 70 डिलीट होने के बाद हमारी जो लिस्ट है 10 20 50 60 बचती है. इसके बाद फिर लेंथ कितनी है इसकी, 4 एलिमेंट है. फिर उसके बाद L1 डॉट पॉप आपने x में लिया, सो डिलीटेड एलिमेंट इज 60, द लास्ट एलिमेंट 60 इज डिलीटेड. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द लेंथ लेफ्ट बिहाइंड इज 10 20 50, ये हमारी लिस्ट बची 10 20 50, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये भी आपका आ गया कि लेंथ आफ्टर डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट 60 इज 3, तो इसमें आपका ये 3 आती है लेंथ. एक मेथड है क्लियर, सो लिस्ट का लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लियर, इट विल क्लियर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, सारे एलिमेंट्स को ये डिलीट कर देगा. लिस्ट विल बी देयर, लिस्ट ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मेमोरी एट एसोसिएटेड विद सम मेमोरी सेल रेफरेंस, लेकिन वो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे क्लियर कर देने से. सो लिस्ट आफ्टर क्लियरिंग ऑल एलिमेंट्स इज एम्प्टी लिस्ट. आप जानते हैं ये बॉक्स ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज में कुछ भी ना लिखा हो तो वो एम्प्टी लिस्ट मानी जाती है. दैट मीन्स all elements that is 10 20 50 from the list have been
डिलीटेड एंड एम्प्टी लिस्ट इज बीइंग प्रिंटेड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से आपने देखा इसमें रिमूव पॉप और क्लियर किस तरह से काम करते हैं। रिमूव जो है वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। पॉप क्या करता है, पॉप हमारा जो है वो लास्ट एलिमेंट को लिस्ट में से डिलीट करता है और उसे रिटर्न भी करता है। क्लियर क्या करता है, क्लियर सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है लिस्ट में से। आई थिंक दीज थ्री फंक्शंस आर क्लियर टू यू। लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट। सॉर्ट और कॉपी दो मेथड ये हैं। सॉर्ट फंक्शन इज फॉर सॉर्टिंग द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द लिस्ट, रीअरेंज कर देता है। और कॉपी फंक्शन क्या करता है, लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट करता है। यहां देखें आप, सॉर्ट अरेंजेस द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कॉपी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है और उसमें एक पैरामीटर है रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देने पर डिसेंडिंग में करता है। इफ यू डोंट सप्लाई एनी पैरामीटर टू सॉर्ट फंक्शन, बाय डिफॉल्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कॉपी क्या करता है, क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट बट सेल एड्रेस चेंजेस। दैट मींस जो कॉपी बनेगी और जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके सेल रेफरेंस में डिफरेंस आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम बट कॉपीइंग यूजिंग असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट से कॉपी करते हैं, जैसे L1 इज इक्वल टू L2, ऐसा करने के बाद जो कॉपी करते हैं तो उसमें L1 और L2 रेफर टू द सेम सेल एड्रेस, वो सेम आईडी को, सेल आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो असाइनमेंट के थ्रू कॉपी किया जाता है। अगर कॉपी फंक्शन के थ्रू करोगे तो जो कॉपी फंक्शन के थ्रू नई लिस्ट बनी है उसका सेल रेफरेंस अलग होगा और आपकी ओरिजिनल लिस्ट का सेल रेफरेंस अलग होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड सिंपल असाइनमेंट ऑफ वन लिस्ट ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। लेट अस सी इट थ्रू एग्जांपल। हियर L1 इज ए लिस्ट हैविंग 80, 15, 50, 45, 30। द ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट L1 आपने किया तो ओरिजिनल लिस्ट आपकी ये प्रिंट हो गई। आफ्टर दैट यू आर यूजिंग सॉर्ट फंक्शन L1.sort reverse equal to true, reverse equal to true करने पर ये descending order में आपकी sorting हो जाएगी L1 की। So print after sorting, descending में sorting करने के बाद list L1, आपका जो print हुआ list L1 100, 80, 50, 45, 30, 50 in descending order में सारे elements arrange हो गए। Then let us see how it is being done in ascending order. Print L1, आपने L1.sort लिख दिया सिंपली, इसमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये रिवर्स इक्वल टू फॉल्स है, दैट मींस ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। सो प्रिंट आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट L1, L1 इज बीइंग प्रिंटेड। सो आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग इट इज 15, 30, 45, 50, 80, 100 असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग हो गई। अब हम आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम सॉर्टिंग करते हैं। अगर हम सॉर्ट मेथड के साथ कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो सॉर्टिंग आपकी असेंडिंग में होगी। अगर सॉर्ट के साथ आप पैरामीटर देते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू तो आपकी सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और रिवर्स इक्वल टू फॉल्स लिख दोगे जो कि बाय डिफॉल्ट है, देन ऑल्सो इट विल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड ऑफ लिस्ट क्लास। L2, L2 एक मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया, आप कॉपी करके इसमें देखते हैं L1.copy, तो L1 की जो कॉपी है वो L2 में आ जाएगी। लेट अस प्रिंट इट। लिस्ट L2 यूजिंग कॉपी आपका L2 प्रिंट करेगा। इसके बाद L2 का आईडी देखिए, आईडी ऑफ L2, आईडी ऑफ L2 प्रिंट करेंगे तो जो आईडी आएगा वो L1 की आईडी से डिफरेंट होगा क्योंकि कॉपी फंक्शन से आपने किया है। जरा देखिए यहाँ पर लिस्ट L1 ये है, L1 की आईडी थी 1854776, लेकिन जो लिस्ट L2 कॉपी के थ्रू आपने किया है, लिस्ट तो सेम है 50, 30, 45, 50, 80, 100, लेकिन अगर उसका मैं आईडी L2 का लेता हूं तो आईडी L2 का डिफरेंट है 1854776, यहां देखिए 1854776 है। सो डिफरेंस आ गया दोनों की आईडीज में, ऑल दो द कंटेंट ऑफ बोथ द लिस्ट L1 एंड L2 इज सेम, तो कॉपी फंक्शन से ये डिफरेंस आता है। अब अगर मैं इसको असाइनमेंट से कॉपी करता हूँ तो L3 इज इक्वल टू L1 किया, ये आपने असाइन किया सिंपली। असाइनमेंट में L3 का कंटेंट, L1 का कंटेंट दैट विल बी सेम,
बट इट्स आई डी विल ऑल्सो बी सेम। आप देख सकते हैं कि लिस्ट एल थ्री यूजिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट का यूज करके वही लिस्ट आ गई एल थ्री में। और अगर मैं एल टू का आई डी, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे आई डी ऑफ एल थ्री, एल थ्री का आई डी अगर हम चेक करते हैं आई डी ऑफ एल थ्री तो 1854776 ही आता है जो कि एल वन का है। यहाँ आपको एल टू की जगह एल थ्री करना है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। आई डी ऑफ एल थ्री यहाँ लिखना है, यहाँ भी आई डी ऑफ एल थ्री लिखना है बिकॉज यू आर प्रिंटिंग द आई डी ऑफ एल थ्री। तो आपने देखा कि एल वन, एल थ्री में मैंने एल वन को कॉपी किया असाइनमेंट से, तो उसका आई डी एल वन का और एल थ्री का आई डी दोनों सिमिलर है। एल वन की कॉपी मैंने एल टू में क्रिएट किया तो L1 का ID डिफरेंट है और L2 का ID डिफरेंट है, यानी कॉपी बनाने पर कॉपी फंक्शन से दोनों लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के सेल रेफरेंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन असाइनमेंट से कॉपी करने पर दोनों लिस्ट ऑब्जेक्ट के ID रेफरेंस जो है वो सिमिलर रहते हैं। तो ये डॉट कॉपी फंक्शन में और लिस्ट असाइनमेंट में ये डिफरेंस है कॉपी करते समय। सो आई थिंक सॉर्ट फंक्शन आपने और कॉपी फंक्शन इस स्लाइड से अच्छी तरह सीख लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, यहां देखें हमारे पास तीन एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मीन, मैक्स और काउंट। इनसे क्या होता है, मीन जैसा कि नाम आपको बता रहा है इट रिटर्न्स द लोवेस्ट एलिमेंट एंड मैक्स रिटर्न्स द हाईएस्ट एलिमेंट आउट ऑफ द लिस्ट एलिमेंट्स एंड काउंट रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट। किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर वो कितनी बार अपीयर हुआ उसको काउंट करता है काउंट फंक्शन। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल। यहाँ देखें L1 एक लिस्ट है 80, 15, 100, 50, 45, 30, प्रिंट लिस्ट L1, L1 को आपने प्रिंट किया। अब इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट मीन ऑफ L1, मैक्स ऑफ L1। इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, ये आपकी लिस्ट है, मिनिमम आपका आ रहा है 15, मैक्सिमम आ रहा है 100। सो इसमें से आप देख सकते हैं मिनिमम 15 है, मैक्सिमम 100 है। नाउ एक टेक्स्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में आपने एक लिस्ट बनाई, कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, इसमें आपने इसको प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल लिस्ट कलर को प्रिंट किया, उसके बाद उसका मिनिमम और मैक्सिमम आप रिट्रीव कर रहे हैं, मिन ऑफ कलर एंड मैक्स ऑफ कलर। व्हाट डू यू गेट, मिनिमम आपका ब्लू आता है, बी से स्टार्ट है, और मैक्सिमम आपका व्हाइट आता है, डब्ल्यू से स्टार्ट है। सो ये लेक्सिग्राफिकली, लेक्सिकोग्राफिकली आपका ये फाइंड करता है डिक्शनरी के ऑर्डर में। स्ट्रिंग्स में भी लोवेस्ट हाइएस्ट पता कर सकता है और न्यूमेरिक में से भी लोवेस्ट हाइएस्ट, मिन और मैक्स, मिनिमम और मैक्सिमम से ये फाइंड आउट कर सकता है। बट कंडीशन इज दैट जिसमें से आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं वो सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए, देन ओनली इट वर्क्स प्रॉपरली। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक हमारे पास लिस्ट L2 बनाया है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स को रिपीट कर दिया है, 1 को दो बार रिपीट किया है, 2 को यहाँ पर 2-3 बार रिपीट किया है, 3 को इसी तरह से 4 बार रिपीटेड है। इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 5, 8 ये एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स रिपीटेड हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करनी है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट पार्टिकुलर एलिमेंट इज एग्जिस्ट विद इन द लिस्ट। सबसे पहले मैंने ओरिजिनल लिस्ट L2 को प्रिंट कर लिया, लिस्ट L2 इज बीइंग प्रिंटेड, देयर आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन L2, L2 में लिस्ट ऑब्जेक्ट में 3 की फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूंगा L2 डॉट काउंट ब्रैकेट में 3। सो 3 कितनी बार आया है लिस्ट L2 में वो आपको नंबर ऑफ टाइम्स उसकी अकरेंस रिटर्न करेगा। सो हियर यू कैन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन L2 इज 4, 3 हैज अकर्ड 4 टाइम्स विद इन द लिस्ट। सिमिलरली आई हैव फाउंड आउट 1 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम। So L2.count 3, L2.count 1, L2.count 2, L2.count 5, L2.count 8. So it can calculate, it can return the number of times a particular element within the list exists. कितनी बार वो appear हुआ है, यानी कि उसकी frequency.
तो इस तरह से आपने सीखा मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और काउंट फंक्शन, हाउ इट वर्क्स विद इन द लिस्ट. नाउ वी प्रोसीड टू डेल स्टेटमेंट. डेल स्टेटमेंट में हम चलते हैं और ये एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ब्रैकेट में कोई पैरामीटर देने की आवश्यकता नहीं होती है. डेल स्टेटमेंट डिलीट्स द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और स्लाइस और कंप्लीट लिस्ट. ये किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकता है या पूरी स्लाइस को डिलीट कर सकता है, स्लाइसिंग आपने पढ़ा हुआ है, या पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर सकता है, दैट लिस्ट विल नॉट बी एग्जिस्ट एनी मोर विद इन द सिस्टम. देखें आप, L1 आपकी लिस्ट है, बिल्कुल सिमिलर लिस्ट है, एक फ्रूट नाम की भी लिस्ट मैंने बना दिया है. अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L1 और लेंथ ऑफ L1, ये आपने प्रिंट कर दिया. L1 आपकी ये है, लेंथ 13 है. देयर आफ्टर आपने फ्रूट वाली भी लिस्ट प्रिंट कर दिया, उसकी भी लेंथ बता दी, फ्रूट की लिस्ट की लेंथ 8 है. आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट, एक एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हैं, डेल L1 ऑफ 0 एंड डेल फ्रूट ऑफ माइनस 1. L1 में से मैंने जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ मतलब पहला वन डिलीट हुआ. फ्रूट ऑफ माइनस वन मीन्स लास्ट वन, कीवी, कीवी इज द लास्ट एलिमेंट, ये आपका डिलीट हुआ. आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट यू कैन सी द लिस्ट L1. L1 की पोजीशन है 3, 5, 2, 1 एंड सो ऑन, इसमें से पहला एलिमेंट वन डिलीट हो गया. और फ्रूट की पोजीशन देखिए, और इसमें लेंथ 12 हो गई, लेंथ पहले 13 थी. फ्रूट लिस्ट जो है इसमें से आपका गुआवा रह गया, दैट मींस लास्ट एलिमेंट कीवी इज डिलीटेड एंड लेंथ रिमेनिंग 7, अर्लियर लेंथ वाज 8. सिमिलरली यू कैन डिलीट द स्लाइस आल्सो, डेल L1 ऑफ 2:5, 2:5 मींस 2 3 4 एलिमेंट्स हुज इंडेक्स इज 2 3 एंड 4 विल बी डिलीटेड. तो आपका जो रिमेनिंग लिस्ट है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, दैट मींस 2, 1, 2 विल बी डिलीटेड, यहां से 2, 1, 2 विल बी डिलीटेड. यहां देखें फ्रूट में 2:5 कहां पर आता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहां से 0, 1, 2, 2 मींस बनाना विल बी डिलीटेड एंड 3 मींस ऑरेंज विल बी डिलीटेड, 4 मींस पीच विल बी डिलीटेड. तो ये डिलीट होने के बाद आप देखते हैं कि इसमें 2, 1, 2 डिलीट होने के बाद क्या बचा, 3, 5, 5, 5, 8, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 2 बीच से डिलीट हो गया, दैट वाज द स्लाइस 2, 3, 4 इंडेक्स नंबर. इसी तरह से इसमें डिलीट हो जाने के बाद आपका क्या बचता है, मैंगो, ग्रेप्स, प्लम एंड गुआवा. तो डिलीट क्या हुआ, बनाना, ऑरेंज और पीच डिलीट हो गया. फाइन, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये सारा हमने आपको प्रिंट करके भी दिखा दिया. अब मैं लिखता हूं डिलीटिंग कंप्लीट लिस्ट, पूरी लिस्ट डिलीट कर देते हैं. डेल लिस्ट का नाम L1, प्रिंट फ्रूट, फ्रूट प्रिंट करते हो तो फ्रूट वाली लिस्ट तो एग्जिस्ट करती है बिकॉज दैट इज नॉट डिलीटेड. जब आप करते हैं प्रिंट L1 तो L1 इज कंप्लीटली डिलीटेड, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर विद इन द मेमोरी. तो प्रिंट L1 जो है यहाँ पर एरर देता है, नेम एरर है, क्योंकि नेम L1 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स L1 लिस्ट इज गॉन from the memory, it is completely deleted from the memory. तो इस तरह से आपने देखा कि del statement की help से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. You can delete a particular element at a specified index number, as well as you can delete a slice of the list, complete set of elements using slicing, and third you can delete the complete list using del statement also. आप पॉप से भी रिमूव कर सकते थे, रिमूव मेथड से भी कर सकते थे, और यहाँ आपने डेल स्टेटमेंट से भी लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करके देखा. तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में रिमेनिंग फंक्शंस आपके लिस्ट के कंप्लीट किए, और इस तरह से आपका लिस्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू.